नमस्कार मो अपूर्व आ मात्र कई घंटार अपेक्षा शेष हम वर्ष 2020 किंतु वर्ष 2020 थिला कोरोनार वर्ष कोरोना महामारी समग्र विश्व को कबलित करथिबा बळे आम देश आम राज्य केही मध्ये एथरु बात पड़ नथिले। वर्ष 2020 रो अधिकांश समय लॉकडाउन शटडाउन 144 धारा एभळि भाबे समस्त काटिथिले ए समय को, किंतु एही वर्ष भितरे मध्ये अनेक खबर एभळि सामना को आसीछि जे खबर समस्तक मध्ये चर्चार विषय पलटिछि। से नयागढ़ परी घटना हो बा जीवन जीविका पाई केमळी भाबे प्रवासी ओडिया माने समस्या भोगुथिले ताहार मध्ये चित्र सामना को आसीथिला। सेभळि अनेक घटना सामना को आसी जेभळि भाबे जिलापाल को जिलापाल हत्यारे संपृक्त थिबार अभियोग आसीछि। एहाकु नै कोर्ट मध्ये छाट मारिछन्ति जिलापाल को। अनेक घटना अछि जहाँ जहाँ नजर अड़वाळे रही जाइछि समय सहित से चर्चित खबर गुड़िक जहाँकि गोटे समय रे चर्चार केन्द्रबिंदु थिला एवं समय सहित ताला दे धीरे धीरे से खबर उपरे परदा पड़ जाइछि। ताहाकु आज पुणि थरे देखिबा जे वर्ष 2020 रे कौन कौन सब चर्चित खबर थिला जहाँकि लोकों मध्य चर्चार विषय वस्तु पलटिता। मु अपूर्व मो सहित अच्छा मो सहयोगी निवेदिता। नमस्कार मु निवेदिता। तबे आपण माने जानिथिबे किभळि भाबे 2020 कटिला काहेकि ना आमे समस्त जानिछंती महामारी रो करार रूप आमे समस्त देखिछंती। ए सबु भितरे आमे समस्ते एहाकु सहिछंती एवं जदियो वर्तमान आमे स्वाभाविक स्थिति आडकु गति करछंती किंतु 2020 आमे अनेक कळाथा कहि अपताती निमते अखैछि लोकंकु घरे रहिबार सुजोग मध्ये देछि आ कहा जाय। पर करबे जो अनेक लोक प्रवास रे रहुथले जे माने कि लॉकडाउन शटडाउन समय रे जितेबाला समग्र विश्व बंद था से माने घर को फेरी निज घर लोक सहित समय दे टाइम स्पेंड करते मझे रिपोर्ट यहाँक आसी भावे लॉकडाउन शटडाउन फल कलकारखाना बंद रही इंडस्ट्रियल एरिया बंद रही जहाँफल परेश पुणि थे हसी पुणि थे जो ओजन स्तर कह जाए ता सुदृढ़ होता देखा जाता चित्र सामनाक आसी वैज्ञानिक मैंने यहाँ भितर यह खोजी पाई के भावे परेश प्रदूषण होता विगत दशंधि दशंधि धरी केउटा केउठी लॉकडाउन आउ शटडाउन जदियो मनीष समाज पई एक असंभव समय आनीथिला जे समय को काटिबा केउटा केउठी मुश्किल थिला किंतु परिवेश पई एक सुखमय समय आनी कासला। परिवेश धीरे धीरे सेही समय को फेरुथिला जे 50 वर्ष तळे बा 5 दशंधि तळे जे मुळे बाबे परिवेश थिला धीरे धीरे केउटा केउठी परिवेश मध्ये हसी उठुथिला। निवेदन म आपन थु जानबाक चाहिबी जे वर्ष 2020 को जदि आपन केबे विश्लेषण करनथि बा आपन केबे परवर्ती मुहूर्त रे आ 5 10 वर्ष पर मन पकाय को चाहंती तो केमती मन पक वर्ष 2020 आपण केमती केमती काटिथिले वर्ष 2020 को एवं ए तमाम आशंका तमाम निराश मध्य किसी सकारात्मक ये आपण पाखे पहुँची जहाँ आप भावती नहीं ठीक अच्छे 2020 सबू वर्ष तो सामान रही किसी वर्ष एमती भी आसपा जहाँ को आप भाव काटा आवश्यकता रही है निहां अपूर्व। सब बड़ कथा हूँ 2020 आम आशा तो अनेक थी कि 2020 आम समस्ते वर्ष तमाम बुलवा एंजय करवा कितु चलित थर जितेबाला कोविड महामारी आसला विशेषकर ये समस्त मन में कोटि ना कोटि निराश आनीदेला और समस्त को घरे ही समय अतिवाहित करने को पड़ा। सबुठ खुशी कथा हूँ अपूर्व कि चलित थर जेहेतु कोविड महामारी समय था समस्ते पर सहित समय बीतवा समस्त को सुजोग मिलता ये कोटि ना कोटि खुशी कथा। आम जदिव कार्य व्यस्तता भितर पर सहित समय बिताई ना किंतु अनेक कथा देखा मिलता आपड़ी भाव कहते परेश प्रदूषण कहीं जानवाहन उपर जो ब्रेक लगी लॉकडाउन शटडाउन भितर सीमित संख्यक लोक अनेक ऑफिस रे कार्य चली जानवाहन कटकणा थिला जो प्रदूषण मात्रा कमी था। मो व्यक्तिगत कथा जदि कह कि मु अनेक समय मो ऑफिस रे बिताई थी किंतु परिवार सहित जदिव समय मिल नाला कि 2020 मोपाई बेसी भल नी बेसी खराब ना पूर्व बिल्कुल अनेक घटना एभली सामना को आसला निवेदिता जो भाव मास्क और पीपी किट दुर्नीति छंदी होते राज्य सरकार जितेबाला कि मारात्मक महामारी आरंभ होता दिव्यज्योति महांत प्रतिनिधि अच्छा से कहे क्यों भाव महामारी दुर्नीति सामना को आसी महामारी समय पीपी किट और मास्क दुर्नीति सामना को आसी दिव्यज्योति आप जानवाक चाहिए जो कि भाव महामारी मध्य आम राज्य सरकारी अधिकारी माने दुर्नीति में छंदी होते स्वास्थ्य मंत्री संप्रुक्ति खबर आसी खबर महामारी समय एक बड़ खबर पलटि अपूर्व निश्चित भाव में आईटा समय पर विदाय नव वर्ष 2020 वर्ष 2020 अनेक खटामिठा अनुभूति छाड़ जाइए एवं विशेषकर सरकारी स्तर आप देखिए जितेबाला मार्च मस 15 तारीख जो दिन कोविड प्रथम रोगी चिन्ह राजधानी गोटे प्रकार कोकुआ भय राजधानीवासी भितर सृष्टि और धीरे धीरे
सारा राज्य को व्यापी था से समय सबुठ गुरुत्वपूर्ण जहाँ सामग्री थी गोटे पीपी किट मास्क और सानिटाइजर ये तीन चारोटी जिनस अधिक आवश्यक होता लोक मैंने अधिक व्यवहार करते तो से समय राज्य सरकार गोटे आंत मंत्री कमिटी गठन कले जे प्रोक्यूरमेंट अफिसर को दायित्व दाला जे आईएएस अफिसर को दायित्व दाला से प्रोक्यूरमेंट कमिटर हेड रही तत्वावधान कौठ कौ सामग्री आसव तार संपूर्ण गोटे प्रकार तदारख करवर्त समय ठीक जून मे जून समय एक चांचल्यकर खबर आसला जो थी जना पड़ा राज्य सरकार प्रकृत राज्यवासी जीवन सब खेल खेल तार गोटे प्रमाण सामना को आसला कारण जो पीपी किट मास्क कम रेट्रे किणा जबारा बहुत रेट्रे चढ़ा दर में अगर जगह किणाई किसी निर्दिष्ट राज्य रु किसी निर्दिष्ट कंपनी द्वारा किणाई जो आंत मंत्री स्तर जो पांच जन मंत्री थे अर्थमंत्री निरंजन पूजारी हूँ स्वास्थ्य मंत्री नव दास हूँ कि आईन मंत्री प्रताप जेना हूँ महिला विकास मंत्री टुकुनी साहू हूँ यह पांच मंत्री जो मंत्री थे आंतमंत्री स्तर कमिटे थे से दायित्व और से भूमिका को नहीं विराट बड़ प्रश्न सृष्टि जो सबुठ बड़ कथ हूँ आईएएस अफिसर जी प्रोक्यूरमेंट कमिटर हेड थे हेमंत शर्मा दायित्व भूमिका ता सहित जे रही राज्य औषध निगम अध्यक्षा जामिनी षडंगी भूमिका को नहीं प्रश्न सृष्टि साधारण लोक जानवा चाहिए कि जो परिश्रम जो टैक्स देखते टैक्स पेयर मैंने पैसा को किभली राज्य सरकार खर्च कर दुर्नीति करा विशेषकर कोविड समय जिते बड़े लोक मैंने खाया पा न लोक मेरे संबल ना से रोजगार हर बसले समय लोकों पैसा सरकारी बाबू मैंने अयस करते एभली गोटे कथा जहां हेमंत शर्मा निजे कही गोटे ब्लांक चेक राज्य सरकार मुख्यमंत्री से विभिन्न समय खर्च कर नहीं विरोधी सरकार को टार्गेट करते विरोधी निशाना करते सरकार को सरकार क्यों ना क्यों धीरे धीरे बैकफुट को जाते जदिव पर मैनेज कर नहीं सरकार अन्य प्रसंग आड़ किंतु से ही समय सरकार पूरा बैकफुट थे सात टंका बा नौ टंका रे जो मास्क मिलूला बजार बहु गुण दे सरकार किणी घटना महामारी समय चर्चार केन्द्रबिंदु पलटि कारण जितेबाला राज्यवासी जीवन जीविका को नहीं संघर्ष करते कि भाव महामारी मुकाबला करा घर बाहर ना घर न बाहर सहित जीवन जीविका को आगक बढ़े ताक नहीं गोटेपटे संघर्ष चली अंपटे सरकारी अधिकारी मैंने कितु दुर्नीति में मातिले कि भाव महामारी से फायदा पाए से फायदा हासिल करने लगी सरकारी कर्मचारी मैंने खासकर जामिन षडंगी और हेमंत शर्मा ये दुई जन को नहीं विवाद सामना को आसी प्रोक्योरमेंट टीम गठन करा और राज्य सरकार षंढुआसी आक्रमण शिकार होते दिव्यज्योति कहुपे जमती कह जाए बढ़ी आसिले और बढ़ी छिड़ा छिड़ा अनेक लोक लस हुए कि अनेक लोक से फायदा नि ठीक से भावे महामारी ये सरकारी अधिकारी मैंने फायदा नाप आगभर होते गोटे बाट खोली देते एम जरिए गोटे बाट खोली दीजाला कि दुर्नीति तार परसेंटेज क्या क्या पाक जहां विरोधी अभियोग रही आम जब तर्जमा करवा विरोधी प्रथम ही अभियोग करोड परिचा सठिक ढंग से होना आपन देखिए जो चित्र सब आसला से समय विभिन्न मेडिकल बेड नाला विभिन्न मेडिकल रोगी जो जा फेर दिखाला और टेस्टिंग तालमेल रोला गोटे जगार आउ गोटे रिपोर्ट आसला आउ गोटे जगार आउ गोटे रिपोर्ट आसला एभली भाव में जो कोविड परिचा प्रश्न सृष्टि होता ता भितर राज्य सरकार भूमिका और विशेषकर जो पीपी किट मास्क और सानिटाइजर ये किणार जो दुर्नीति है विशेषकर गोटे कंपनी कथा कहूँ आपको विष्णु डिस्पोजाल प्राइवेट लिमिटेड जो सरकार पीपी किट और मास्क आनी सेठी जो रेट थिला केन्द्र सरकार गोटे रही ई कमर्स जो साइट रही राज्य सरकार चाहिए कम रेट्रे बहुत कम रेट्रे सरकार किनि पारथाते किंतु सरकार से सबू नक एक निर्दिष्ट कंपनी विष्णु डिस्पोजाल प्राइवेट लिमिटेड ताठू चढ़ा दर किए जहाँ को नहीं कांग्रेस और बीजेपी सरकार घेरी अंपटे आ गोटे कथा देखु जितेबाला या बिवाद देखा था से समय सरकार बैकफुट को जेहतु जाऊ सरकार गोटे प्रकार घेरी ही जाते बाध्य दुई दिन पिछला डेट्रे हेमंत शर्मा को प्रोक्यूरमेंट कमिटी रु अभ्यास करागला दायित्व अभ्यास करागला तो एथिरु क्यों ना कौन गोटे स्पष्ट प्रमाण मिलूला जे राज्य सरकार ये दुर्नीति पछरे ही रही दुर्नीति पछरे राज्य सरकार बड़ बड़ अधिकारी रही विशेषकर जो आंत मंत्री स्तर कमिटी जिते मोहर मारी तो आंत मंत्री स्तर कमिटी कहीं मोहर मारा मोहर मारिया पछरे किए रही ये अंशधन क्या क्या पाक जाए किए किए पछरे रही लोकायुक्त पाखे केस जानते निर्दिष्ट किसी लोक ओडिशा विकास परिषद हो कि कांग्रेस रे मुख्य कांग्रेस रे रही स्पोक्स पर्सन
ସେ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି 2-3 ଥର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାମିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ହାଜର ହୋଇସାରିଲେଣି ତ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ସରକାର ଏବେ ବି ଯୋଉ ମାସ୍କ ହଉ ପିପି କିଟ୍ ହଉ ଏ ଯୋଉ ସ୍କାମ୍ ହଉଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ଅଡୁଆରେ ଅଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ବି ଦୁର୍ନୀତି ଖଣ୍ଡା ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଝୁଲିପାରେ ନଚେତ ଜାମିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଉପରେ ଝୁଲିପାରେ କାରଣ ୟାଙ୍କୁ ଜବାବ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ସମୟରେ କଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କାହିଁକି ଏତେ ଟଙ୍କାରେ ମାସ୍କ ଏବଂ ପିପି କିଟ୍ କିଣା ଯାଇଥିଲା ଅପୂର୍ବ ना कौटि राज्य सरकार विवाद घेर को आसीता बेले सहित विभिन्न सरकारी अधिकारी माने विवाद घेर को आसते निवेदिता आपंकर मन थी कि भाव जीवन जीविका को नहीं जो संघर्ष चलता सरकारी अधिकारी माने कि दुर्नीति लिप्त होते तहार सबुठ बड़ उदाहरण थी मास्क आउ पीपी किट दुर्नीति जिते मास्क कम टकर मिलूला 8-9 टा 12 टकर मिलूला से राज्य सरकार बहु गुण से किणी से पीपी किट दुर्नीति सामना को आसी जितेबाद राज्य औषध निगम राम मंदिर पाखे राज्य औषध निगम सम्मुखें बाहर राज्य आसी ट्रक माने माल अनलोड ठिया होता पर घटना सामना को आपंकर मन थी कि भाव ये सरकारी अधिकारी माने महामारी फायदा ने चेस्टा करते उठाइल अर्गस प्रसंग उठाई जितेबले महामारी मार्च मसरु आरंभ होता है तापर अनेक केलेंकार चित्र सामना को आसा विशेषकर मास्क पीपी किट आप जो भाव कहते हैं ए प्रसंगे दुर्नीति उठाला जो हेमंत शर्मा बिवाद बाबू हेमंत शर्मा और जामिनी षडंगी को बारंबार लोकायुक्त नोटिस करते दुईज ही चर्चा को आसी सब बड़ कथा हूँ स्वास्थ्य मंत्री नव दास भूमिका प्रश्न घेर को आसी तेज नव दास प्रश्न कर जो थे कि बड़ दुर्नीति एक हे तो चपाई देखा चेष्टा करा किंतु बारंबार लोकायुक्त नोटिस कले हेमंत शर्मा जामिनी षडंगी को हाजर होगा पड़ता तेज सब बड़ कथा हूँ आप जो भाव कहते कि महामारी समय कहीं दुखरे थिला बेले कई जन यार फायदा उठाऊ जो भाव गोटे बड़ दुर्नीतिर चित्र सामना को आसला विशेषकर पीपी किट और मास्क दुर्नीतिर चित्र सामना को आसी पूर्व दर्शक 2020 आउ एक बड़ खबर थिला किलर कलेक्टर मालकानगिरी कलेक्टर मनीष अग्रवाल नाँ आसा यह अभियोग घटना थिला जे प्राय वर्षक तले देवनारायण पंडा जे कि मालकानगिरी तत्कालीन कलेक्टर मनीष अग्रवाल सहायक थे मृत्यु होता मृतदेह गोटे छोट ह्रदर उधार करोक अभोग आनी क्योंटिना के देवनारायण पंडा प्रेसर थे जेहेतु प्रेसर थे अफिस् आड़ कौन प्रेसर थे तेणु हत्या करोसी इलिगाल कौन बेआईन कार्य करने बाध्य करें जदि कलेक्टर सहकर्मी मैंने कौन बेआईन कार्य कर देवनारायण पंडा या सम्मुख को आने को चाहूँ तो क्योंटना के हत्या करने बारंबार पुलिस अभियोग पुलिस यह तत्परता देखा ना और मनीष अग्रवाल जे कि तत्कालीन मालकानगिरी जिलापा थे से कौन एभली सक्रियता देखले ना जो भाव देवनारायण पंडा के मृत्यु होता पर लोक जो अभियोग आनी तदंत कर बड़ प्रश्न सामना को निवेदिता यह आसी जे जड़े सरकारी अफिसर मृतदेह मिलू पी कलेक्टर अफिसे कार्य करुवा जन कर्मचारी कितु कलेक्टर एने कौन इंटरेस्ट नौना के भाव मामलार पर्दाफाश हे खुलासा हे प्रकृत में देवनारायण पंडा के मृत्यु होता परवर्त मुहूर्त कोर्टे पहुंची थे देवनारायण पंडा पर लोके कोर्ट जिलापाल मनीष अग्रवाल को छाट मारी कहते क्योंटना के मनीष अग्रवाल जेहेतु तदंत को शिथिलता करता प्रकाश करोसी सक्रियता देखा ना कि भाव मामलार खुलासा हे तेणु मनीष अग्रवाल मुख्य अभियुक्त परवर्त समय मनीष अग्रवाल को राज्य सरकार बदली करते निवेदिता बड़ प्रश्न हो प्रशासनिक अधिकारी मैंने जो मैंने परस्पर सहयोग रही लोकों समस्या सुधारे सरकार निजुक्ति जनसाधारण टिकस पैसा सेमान को वेतन प्रदान करा किंतु गोटे सरकारी अफिसर जड़े कर्मचारी मृत्यु किंतु सही सरकारी अफिसर जे हेड जिलापाल एने कौन इंटरेस्ट देखा ना कि भाव तदंत हो एक बड़ प्रश्न घर को सामना को आनी मनीष अग्रवाल को अपूर्व आपड़ी भाव कहते गोटे अफिस कार्यरत थे किंतु जितेबले दायित्व रही से निजे जिलापा तेरे जहाँ दायित्व रही है से निजे सठिक रूपे तुलाई नथिले जो परवर्त समय बदली आउ से जो बिवादीय जिलापा थे मनीष अग्रवाल देवनारायण पंडा मृत्यु से चर्चा को आसी जितेबले दायित्व थी कर्तव्य था निजे जड़े सहयोगी स्टाण करवा निजे ढड़ा सहित समर्थन करने प्रकृत में दोषी किए से सहयोग कर आवश्यकता था कि से समय कोटनाकोटी से जाशु पछघुंचा देते जो परवर्त समय बदली अपूर्व दशरथ वर्ष 2020 आउ एक खबर सामना को आसी रिलेसन रखिले कि भाव सिलेक्शन मिलू विजु पक्काघर राज्य सरकार बारंबार कहते प्रत्येक योग्य हिताधिकारी पाखे पहुंचा विजु पक्काघर
ଏହାକୁ ନେଇ ବାଦବିବାଦ ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟଣାଓଟରା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇବାକୁ ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଇଥିରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରିଲେସନ କ୍ରାଇଟେରିଆର। ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯାହା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେ ମୋ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ତୁମକୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏ ଖବର ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା, ଆଉ ପରେ ପରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଖୁଲାସା କରିଥିଲା ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସମର୍ଥକ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ବେଶ ଭଲରେ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସମର୍ଥକ ନୁହନ୍ତି ବା ଆପଣ ଜଣେ ନିରପେକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଯଦି ଯୁବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲେସନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ। ଏଇ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲା ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ନଗ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ଖାସ କରି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଜନପ୍ରତିନିଧି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ମୋ ସହିତ ରିଲେସନ ରଖ, ତାପରେ ଯାଇକି ତମେ ସିଲେକ୍ସନ ହବ ଆଉ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ସୁବିଧା ପାଇବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଅପୂର୍ବ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣା ଥିଲା ଗୋଟେ ସମୟରେ, କାହିଁକି ନା 2020ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ବିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏ ସମୟରେ ଏମିତି ଏକ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା କି ରିଲେସନ ରଖିଲେ ସିଲେକ୍ସନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରିଲେସନ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ରିଲେସନ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଯେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଯିଏକି ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏଭଳି କଥା କହିଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସମେତ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ସିଧାସଳଖ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିଲା, ଏ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରାଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠିଲା, ତାପରେ ଯାଇ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସରପଞ୍ଚ ଗିରଫ ହେଲେ। ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା 2020ରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପୂର୍ବ, ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସରପଞ୍ଚ ହୋଇ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସରପଞ୍ଚ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏଭଳି ତାଙ୍କୁ କଥା କହିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଫସାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲେ। ଅପୂର୍ବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁକୁ କାମ ଆଉ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନାରା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ସରପଞ୍ଚ ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ରିଲେସନ ରଖ, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ କରାଯିବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସରକାରଙ୍କ ଜାଣତରେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କାରନାମା ଚାଲିଛି, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସରକାରୀ ଦଳ ସମର୍ଥକମାନେ ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଆଖି ବୁଝି ଦେଉଛି ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଠାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ଆଉ ନ୍ୟାୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେପରି ବର୍ଷ 2020ର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଥିଲା ଆଠଗଡ଼ରୁ। ଆଠଗଡ଼ରେ ଆସୁଥିଲା ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, କୁହାଗଲା ଯେ ଆଠଗଡ଼ର ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଜାଣତର ହୋଇଥିଲା ଦୁର୍ନୀତି, ଯେଉଁଥିରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା, ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା ଆଉ ଟଙ୍କା ହାଇଜାକ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଯାହାକି ଚାଷୀ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ଆଉ ଚାଷୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜାଣତରେ ହୋଇଥିଲା ରହରି ଲୁଟ୍, ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ଭାଇ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ରାଜା ଭାଇ ଯାହା କୁହାଯାଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଜାଣତରେ, ବିଧାୟକଙ୍କ କିଛି ସମର୍ଥକ ବିଧାୟକ ନିଜେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲେ, ଯେଉଁ ହରିଲୁଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଖାସ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା ଆଠଗଡ଼ରେ, ଚାଷୀଙ୍କ ପଇସା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପୁଣି ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକି ଚାଷୀ ଜାଣୁନଥିଲେ କେତେବେଳେ ପଇସା ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସେ ପଇସା ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଥିଲା। ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ଆମେ କଭର ମଧ୍ୟ ତାକୁ କରିଥିଲୁ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରୋନା ପାଇଁ ଚାଷୀ କୂଳ କେଉଁଭଳି ସର୍ବହରା ହେଉଛି, କରୋନା ପାଇଁ ଚାଷୀ କୂଳ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାଡ଼ ପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆଉ ସରପଞ୍ଚ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେବେ କ'ଣ ଏ ଅସମୟରେ? ବରଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯେତିକି ପଇସା ଆସୁଥିଲା, ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା, ତାକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତ ଆଠଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଲାଇଭ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ଆମର, ତାଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଦୁର୍ନୀତି କେତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ଥିଲା, କେତେ ଲୋକ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ବା ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ କେତେ ଚାଷୀଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, କେତେ ଟଙ୍କାର ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଯେ କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି
ना है पछरे आउ के माने अछंती देखंतु अपूर्व आम जी कह 2020 जो चर्चित वर्ष रही हुए तो दु तीन घंटा पर कैलेंडर पृष्ठ चेंज हो 2021 आसीजी किंतु आठगड़ अंचल जो समवाय दुर्नीति होता चर्चा को आसी समवाय मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई और भाई वीरेन्द्र प्रताप स्वाई आम ये सीधा साल कहीपर जैसे आठगड़ अंचल जो गुरुड़ी जाटी अंचल रही गुरुड़ी जाटी अंचल शताधिक चाषी जड़े नुह कि दुई जन नुह प्राय शताधिक चाषी अकाउंट रु कहा अकाउंट रु 50,000 टा कहा अकाउंट रु लक्ष टा एमती लक्षाधिक टा 100-200 कोटी टकर ऊर्ध रूपये ये बाट मारणा कर दुर्नीति होता जहाँकि चाषी मैंने अतिष्ट होते बारंबार ए अफिस रु से अफिस् दौड़ी दौड़ी नयांत तो होते कौन प्रकार न्याय मिलपारिना तथा तो चाषी मान दुख सर ना जहाँफल से जाते मंत्री नरेन्द्र प्रताप स्वाई सरकारी बासभवन को सेठार पुलिस निर्यातना देते जहाँ चाषी मैंने अभियोग करते एमती किसी चाषी व्यक्तिगत भाव में मंत्री नरेन्द्र प्रताप स्वाई भेट करते जहाँ चाषी मान अभोग रही मंत्री नरेन्द्र प्रताप स्वाई बेकुआ तंटिया मारी विदा करते चाषी दुख सर ना चाषी मैंने बाध्य आत्महत्यारमक देते आत्महत्या करने विधानसभा सम्मुख उद्यम करते पुलिस दुई तीन जन चाषी को उद्धार कर मामला दायर कर आठगड़ अंचल से चाषी मैंने बहुत नानादी असुविधा सम्मुखीन होतीपटे जब देखा आठगड़ निर्वाचन मंडली जो विधायक रही ओडिशार पावरफुल मंत्री नरेन्द्र प्रताप स्वाई सी सदा सर्वदा कहते सत्यर सदा जय किंतु जितेबाला आठगड़ कथा उठू आठगड़ चाषी मान कथा उठू से मंत्री नरेन्द्र प्रताप स्वाई चुप रही नीरव दस्ट रही आम जी कहीपर ये समवाय जो दुर्नीति होड़शार जहाँकि आठगड़ अंचल आठगड़ बाहर को घटना व्यापी कोटी कोटी टंकार दुर्नीति होते समवाय मंत्री कौन सी गणमाध्यम आगे पदे मुह खोलू ना आम प्रतिनिधि जोगाजोग करने को चेष्टा करते से गाड़ी डोर बंद कर हठात चली जाते ये बर्तमान एक दुखर विषय होता जहाँकिशार लोक मैंने घटना को निंदा करते आठ जदि देखा आठगढ़ अंचल केवल गुरुड़ी झाटिया नुह धाईपुर एमती विभिन्न चारि पांचटी पंचायत सोसाइटी चाषी मैंने दुर्नीतिर शिकार होते हैं शह शह कोटी टंकार दुर्नीति होते मंत्री एपर्तंत मुह खोली ना जहाँ विभाग अधिकारी मैंने एक प्रकार कहते आक्शन निया केक्शन निर्तमान प्रश्न घेर रही बेले चाषी मैंने जो भाई भाव 2020 दुख दुर्दशा भोगिता आ कि समय पर कैलेंडर चेंज हो 2021 किंतु वर्ष सीना चेंज हो आठगड़ अंचल जो समवाय दुर्नीति होता चाषी मैंने से दुखर अवस्था रही है कथा के बुझा हे क्यों दिन बुझा हम पैसा के फेरस्त मिल खातु पैसा कटो ये बर्तमान बड़ सन्देह घेर रही अपूर्व तो चाषी समस्या घेर बेले आठगड़ विधायक तथा राज्यर पावरफुल मिनिस्टर रणेन्द्र प्रताप स्वाई ए समवाय दुर्नीति में संपृक्त थिबा खोद चाषी अभियोग आनी शह शह कोटी टंकार दुर्नीति होता रणेन्द्र प्रताप स्वाई स्थानीय विधायक एने तदंत करने तो दूर कथा मुह खोल नमिता जनप्रतिनिधि जिते मुख्यमंत्री निजे आह्वान करुँचे चाषी को किभली भाव स्वतंत्र सुविधा सुजोग मिलू केन्द्र सरकार को अपिल करुँचु से बड़े चाषी को शोषण करें बारंबार आम खबर देखाई निजे चाषी विधानसभा चलुवा बेले सम्मुख को आसी विक्षोभ करुले किंतु तदंत तो दूर कथा एपर्यंत सरकारी अधिकारी सरकारी मंत्री एने मुह खोलना निहती भाव में अपूर्व ये निहती भाव में विडम्बनार कथा कहीं जितेबले जे रही मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई से आठगड़ विधायक संघ को मंत्री तेज सब बड़ कथा हूँ चाषी को अकाउंट रू कोटी कोटी टंका लुट हो गला किंतु चाषी जापारे आने चाषी मैंने जानते विधानसभा आग को आत्माहुति देवाई आसते एमती कि मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई क्वार्टर सामना को घंटा घंटा धरी खरारे बसी रही थे राजा बाबू जे मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई रही राजा बाबू से धोखा दे एवं राजा बाबू शासन नाले प्रजा उपरे गोटे प्रकार प्रजा को लुटु अभियोग आसाला जो मैंने कि चाषी को अकाउंट रू कोटी कोटी टंका और लुट होता चाषी मैंने किंतु जापार नते सब बड़ कथा हूँ जितेबले मंत्री निजे दायित्व रही कर्तव्य रही लोक सुविधा असुविधा बुझा लोकों पाखे ढाबा लोकों समस्या बुझा तेज से भली क्षेत्र में मंत्री आज पर्यंत एने कौन स्पष्टीकरण रखिले घटना को दीर्घ दिन बीतीगला अपूर्व कि 2020 सरवाक जाऊँच आ मात्र कई घंटार अपेक्षा
किंतु सबुठु मते लागुचि कि चासी माने हि सबुठु हतात रहिछंती आम राज्य रे। तो वर्ष 2020 रे आउ मध्य एक घटना सामना को आसीथिला जेतेबे राज्य रे एक बन्या परिस्थिति सृष्टि होइथिला एवं उपकूल ओडिसा रे खास करी पुरी जगतसिंहपुर एपट साइड रे हाहाकार पड़ीथिला केउठी छातिए छातिए पानी सप्ताह धरि छाड़ी नथिला तो केउठी बिल बाड़ी रे जो सब फसल होइथिला सब नष्ट होइथिला आउ एभले परिस्थिति रे सामना को आसीथिला मामू भण जागाई जाजपुर जिला बुधलिंग रमापुर रास्ता रे सृष्टि होइथिबा मनुष्यकृत घाई को सृष्टि होइथिला विवाद आउ ए मनुष्यकृत घाई आउ के करिनथिले बरम खोद धर्मशाला विधायक प्रणव बलवंत राय और तांकर जेई मामू नरेन उरोप बादल जेना यांको सहित मिसी प्रणव बलवंत राय ए घाई करथवा चर्चा होइथिला एवं कहा जाउथला जे ठिकादारी काम पय घाई करा जाइछि जाकुने विरोधी राज्य सरकार को घेरीथिले प्रश्न उठिथिला जे मात्र कई वर्ष तर निर्माण होइथिबा एवं एभली बढ़ी पानी रे घाई भांगिबा संभव नथिबा बेले केउमली भाबे घाई सृष्टि होला ताकुने मध्य राज्य तमाम चर्चार विषय पलटिथिला सरकारी अधिकारी जनप्रतिनिधि जे माने लोकंक सुविधापी लोक मैंने निर्वाचित कर विधानसभा को पठाई था लोक मैंने निर्वाचित करेंगे लोकों सुख दुखर साथी हे ये प्रणव बलवंत राय लोकों सुख दुखर साथी हे कौन लोकों दुखर कारण पलटिते घाई सृष्टि हजार हजार एकर चाष जमी नष्ट अनेक चाषी चाष जमी क्षत खत उड़ी क्षेत्र नष्ट तत्सत सर्वस्वांत हो चाषी तो प्रणव बलवंत राय 2020 रे सामना को आसते जे घाई सृष्टि करने से एक चाप सृष्टि करते खासकर जड़े जेई थे बादल जेना जहाँ कि मामू कहुए मामू भणजा मिसे घाई सृष्टि करते मामू भणजा घाई वर्ष 2020 रो अन्यतम चर्चित खबर मध्य नियति भाबरे अपूर्व मामू भणजा घाई मध्य गोटे समय रे चर्चित खबर थिला एति पई काई ना आपण जानिथिबे बन्या द्वारा विशेष करी जाजपुर जिला प्रभावित होइतला आ सबुठु चर्चा को आसीथिला जाजपुर रो बुद्धलिंग रमापुर रो रास्ता रे थिबा जो घाई सृष्टि होतला आ घाई आबे साधारणत जानिछंती घाई बन्या जको सृष्टि होइताय किंतु एठारे जानि सुणी एक घाई सृष्टि करा गला एवं विशेष करी किछि टंका पई एवं षडयंत्र करी डायनामाइट लगाई घाई सृष्टि करा गला जा द्वारा अनेक लोक प्रभावित हेले चाष नष्ट हेला लोके मध्य प्रतिवाद कले गोटे समय रे विरोधी माने मध्य याकु प्रसंग करथिले एवं कांग्रेस बीजेपी याकु मध्य प्रसंग उठाइथिले किंतु कार्यानुष्ठान तो हेलानी लोके मध्य अभियोग आणले विशेष करी जो ठिकादार कार्य करछंती से जने ट्रैक्टर ड्राइवर को आनी ठिकादारी काम दबा प्रकृतर या पछरे को बड़ षडयंत्र थिला लोके मध्य याकु अभियोग करथिले लोके राजरास्ता को लाइथिले विरोधी माने मध्य राजरास्ता को लाइथिले किंतु ना से घाई काई के सृष्टि कला गला एवं कहा किए प्रकृतर एति पई दाई ना तांको विरोध रे कोनोसी कार्यानुष्ठान हेला ना चासी को क्षतिपूरण दिया गला ना चासी जो प्रसंग को नै सोर उठाइथिले तांकर कोनोसी समाधान करा गला एवं अपूर्व 2020 रे ये मध्य सबटु बड़ चर्चित खबर थिला कि किभली भाबे किछि टंका पई एतो ठिकादारी पई किभली भाबे लोकों को हैरान रे पका जाय एथ्रु ही गोटे कथा स्पष्ट बारी होतला अपूर्व तसहित अर्गस ग्राउंड रे पहुंचीला रिपोर्ट आम देखु महापंचायत होता लोके आसी कही घाई प्राकृतिक भाव सृष्टि केत असंभव कौन पर घाई प्राकृतिक भाव सृष्टि नई पारे कौन पर प्रणव बलवंत राय आउ जेई मामू नरेन ओरोप बादल जेना विरोध में आसूबा अभियोग सत्य से नहीं लोके सूचना देते तो परमेश्वर आम प्रतिनिधि अच्छा अधिक सुना सीधासल नहीं चलु परमेश्वर मामू भणजा घाई वर्ष 2020 रे अन्यतम चर्चित खबर था प्रकृत में के भाई भाव घाई सृष्टि होता लोक अभियोग करती आठाकर स्थिति एवं कौन घाई मरामती है ना नुआ टेंडर पड़ी वर्तमान सिचुएसन कौन आ लोक कौन अभियोग करते हैं घाई के सृष्टि होता देखंतु अपूर्व आम जदि कह जो समय बनार विभीषिका देखेला जाजपुर में तीस टी घाई होता कि जदि गोटे घाई चर्चा को आसी गोटे घाई चर्चा को आसीला से हूँ धर्मशाला जहाँ को आम मामू भणजा घाई लोक मैंने आख्या देते इथपाई मामू भणजार आख्या देते जेहेतु सेठिकार जी विधायक रही भणजा और सेठिकार जी रही जलसेचन विभाग मुख्य जी रही सी हूँ मामू कि सबुठ बड़ कथा हूँ जितेबाला घाई सृष्टि होता लोक मैंने गोटे विस्फोरक द्वारा घाई कर आवाज शुणी जहाँ को लेकिन बारंबार साधारण लोके प्रश्न उठाई एकर एकर चाष समी से अंचल पखापाखि नष्ट होता कि बारंबार आम एक कथ गणमाध्यम प्रकाश करूँ और आम जितेबाला ग्राउंड जीरो को जाइलु बारंबार लोकों सहित रही घाई सृष्टि मुख्य कारण कौन समस्ते गोटे कथा कही घाई को जाणीशुणी एथपाई कर कि ये बंधटी जा बंध को जब भांगी दि जाए तेज जो टेंडर आसो से टेंडर में किए ना किए राजनेता एथिकार अधिक लाभवान हे से घाई टी भंगा जाता सबुठ बड़ कथा हूँ बारंबार लोक मैंने अभियोग कलापर जी भणजा सेठिकार जी स्थानीय विधायक से लोक पहुँचले कि लोक मैं किभली भाव में प्रसंग को एड़ा जाए पार्ब लोक मूँ जदि
ନଦୀ ବି ଘାଇ ହେଇଛି, କିପରି ଶୀଘ୍ର ମରାମତି କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଲୋକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ବାରମ୍ବାର ଅନଶନରେ ବସିଲେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଠିକାର ମହାପଞ୍ଚାୟତ କରିଥିଲୁ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଯଦି କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଥାପୂର୍ବଂ ଯଥାପରଂ ସେହି ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଘାଇର କୌଣସି ମରାମତି ହେଇନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 8-10 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ବି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଯିଏ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କିପରି ଭାବରେ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯିବ ସେଥିନାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଅପୂର୍ବା, ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାମୁ ଜେଇ ମାମୁ ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ନରେନ ଓରଫ ବାଦଲ ଜେନା, ଦୁହିଁଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ତ ଘାଇ ମରାମତି ହୋଇଛି, ନା ତ କୌଣସି ଟେଣ୍ଡର ପଡ଼ିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଘାଇ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦିଆଗଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘାଇର କେଉଁଭଳି ମରାମତି କରାଯିବ ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାମୁ ଭଣଜା କେହି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଜନପ୍ରତିନିଧି କେଉଁଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଅବିଚାର କରିପାରନ୍ତି, ବର୍ଷ 2020ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଥିଲା। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ନିବେଦିତା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପେଟରେ ଲାତ ମାରିଥିଲେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଯେଉଁ ଖବର ଆସିଥିଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ, ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି କେଉଁଭଳି ପେଟ୍ରୋଲ ଲାତ ମାରିଥିଲେ ପ୍ରଶାସନ, ଆପଣ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ପାଲଟିଥିଲେ, ସର୍ବନାଶ କରିଥିଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କର। ନିହାତି ଅପୂର୍ବ, ଏ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯେ ଥିଲେ ରୂପଲ କୌର, ସିଏ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ଦୋକାନ କରି ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ସେଇଥିରୁ ଯାହା ଇନକମ୍ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରୂପଲକୁ ଦୋକାନ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା କୌଣସି ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ, ଏବଂ 14 ଅଗଷ୍ଟରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କଣ୍ଟାବାଜି ତହସିଲଦାର ଏବଂ RI ରୂପଲଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ବୁଲଡୋଜର ଲଗାଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏଠାରେ ନିଜେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦବଙ୍ଗିରି ଦେଖାଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ନିଜ କଷ୍ଟ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରୂପଲଙ୍କର ସେ ଦୋକାନଟି 30 ବର୍ଷର ଦୋକାନ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଉପରେ ପୁରା ପରିବାର ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଯାହା ଇନକମ୍ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ରୂପଲଙ୍କ ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଲଡୋଜର ଲଗାଇ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, ରୂପଲ ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ରୂପଲ ହାଇକୋର୍ଟର ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡର କପି ଦେଖାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ସୋମେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ ସେ ଶୁଣିନଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ସିଧାସଳଖ ଆସି ଅନେକ ଧମକ ଚୁମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ନିଜ ଦବଙ୍ଗିରି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ନିଜ ପତିଆରା ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏ ଖବର ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖବର ଥିଲା 2020ରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ଅପୂର୍ବ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ମମତାର ଯେଉଁ ସ୍ତର ରହିଛି କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରେ ତା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯିଏକି 30 ବର୍ଷ ଧରି ଦୋକାନ କରିଥିଲେ, ଦୋକାନ ଗୃହ ଦ୍ୱାରା ଘର ଚଳାଉଥିଲେ, ପରିବାର ଚଳାଇବାର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ସେ ଦୋକାନ ଘର, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ରୂପଲ କୌର ଯେତେବେଳେ JCB ଆଗକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ଦୋକାନ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ରହିଛି ଯେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେତିକିବେଳେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି JCB ଆଗକୁ ଆସିବ ତାହେଲେ JCB ଚଢ଼ାଇ ମାରି ଦିଆଯିବ। ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ IAS ସ୍ତରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବାଳିକା ଯିଏକି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଦୋକାନ ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚୁଛି, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଦୋକାନ ଗୃହରେ ନା ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ନା ତ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ହାତ ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦବଙ୍ଗିରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, JCB ଚଢ଼େଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଖାସ କରି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି JCB ଆଗକୁ ଆସିବ ତାହେଲେ JCB ଚଢ଼ାଇ ମାରି ଦିଆଯିବ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ଅଧିକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ରୂପଲ କୌରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି, ସେ କିଭଳି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଅପୂର୍ବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଉ ରୂପଲ କୌର ମାଝୀ ମୁଖିଜାଙ୍କର କେସ୍ ହେଇଥିଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ସେଥିରେ ଯୋଉ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ରହିଥିଲେ ସୁମେଶ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ, ସେ ତାଙ୍କ ଘର ହଠାତ୍ 14-8-2020ରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଯେପରିକି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅ
रूपल कौर मखिजा से हाइकोर्टर स्टे अर्डर देखाई और बापा मध्य घटनास्थल थी जिते जेसीबी मोड़ाते सेतेबेले से माने हाइकोर्टर स्टे अर्डर देखाई किंतु जो सब कलेक्टर रही सुमेश कुमार उपाध्याय कंटाबांजी से घर से शुणी ना से जो स्टे अर्डर से देखी ना स्टे अर्डर को गोटे प्रकार हाइकोर्ट को अवमानना करते एने से कंटा जो दिव्यांग जी रही रूपल कौर मखिजा से बलांगीर जिलापा द्वारस्थ होते कि जिलापाल जो रही चंचलना से जो अल्टरनेटिव उपाय कही कि घर जेहेतु दिव्यांग झील से गोटे स्थान में तीस वर्ष रोजगार था सेठी दोकान थिला गोटे प्रकार से दोकान से माने रही चलुले जेहेतु से घर टा भंगा जाइला से घर भांगिया फल गोटे प्रकार से माने तांकर जो रही रोजी रोटी जो से रोजगार करुले से रोजगार को गोटे प्रकार हरई देले हरवा फल वर्तमान गोटे प्रकार दुर्दिन दिन काटुचार कहले किसी भूल हम ना एने से बारंबार हाइकोर्ट द्वारस्थ होती जिला प्रशासन द्वारस्थ होती किंतु जिला प्रशासन एपर्यंत आज पर्यंत किसी कार्यानुष्ठान निया जाए रही जो सब कलेक्टर रही सोमेश कुमार उपाध्याय विरुद्ध में कौन कार्यानुष्ठान निया ना अपूर्व तो उपजिलापाल तो निर्ममता आचरण कले कि जिलापा एपर्यंत रूपल दुर्भाग्य देखी ना रूपल जो असहायता रही भाव जो दिव्यांग व्यक्ति जदि आपर पर जो प्रतिपोषण करने मध्यम दुकान को भांगी दूसरी ता बदल जिलापाल तरफ जिला प्रशासन तरफ कौन सहायता मिली एपर्यंत ना जिला प्रशासन सब जाणीशु आखि बुझी रूपल पर प्रति देखो जी दिव्यांग जी रही रूपल कौर मखिजा से मूल रूप प्रतिक्रिया रखुले जो सरकार राज्य सरकार रही दिव्यांग जी और असहाय मान को प्रताड़ित कर हाइकोर्ट स्टे अर्डर देखा जिला प्रशासन कथा तो दूर कथा कि हाइकोर्ट स्टे अर्डर देखा सत्वे सब कलेक्टर जी रही सोमेश कुमार उपाध्याय किपरी दुकान तीस वर्ष दुकान को जेसीबी लगे भांगी देते से पुणी हाइकोर्ट द्वारस्थ होते जिला प्रशासन द्वारस्थ होते कि क्षतिपूरण देवा बदल गोटे प्रकार प्रतारणा कर बारंबार जिला प्रशासन द्वारस्थ होगा सत्वे एपर्यंत आज पर्यंत कौन कार्यानुष्ठान जी रही जो रही तहसीलदार रही से समय जो तहसीलदार घटनास्थल बुलडोजर चढ़ेवा समय उपस्थित थे कि गोटे प्रकार जो देखा जो जिला प्रशासन जो दिव्यांग झील रूपल कौर मखिजार घर भांगी कि घर भांगा परवर्त समय कौन आईन रहायता मिल ना जिला प्रशासन तरफ कौन क्षतिर भरणापाई सेमितिया उद्यम बर्तमान सुधा कराए जी दिव्यांग झील रही से बर्तमान जिद्रे अटल थे जेहेतु से गोटे जगार तीस वर्ष धरी रोजगार करते दुकान चल दिव्यांग झील से दुकान परिवार प्रतिपोषण होता कि जिला प्रशासन भांगी देला से बर्तमान गोटे प्रकार बर्तमान रोजी रोटी से संघर्ष कर बारंबार जिला प्रशासन निकट में दावी करुते जिला प्रशासन ना तो प्रतिपोषण कौन बाट देना जिला प्रशासन तरफ कौन दायित्व निया रूपल कौर जैक दिव्यांग व्यक्ति जने से केमली भावे निजर परिवार प्रतिपोषण करेंगे राज्य में सरकारी अधिकारी माने केमली दबंगरी चलाउछन्ती एवं मन इच्छा आक्शन नेउछन्ती पूर्वर आम निमापड़ार खबर देखेछु बालेश्वर मध्य खबर आज पहुंची केमली भावे तहसीलदार केमली भावे वीडियो निजे सामना को आसीछन्ती साधारण लोकों प्रति अन्याय करिछन्ती प्रशासनिक अधिकारी माने केउठना केउठी बाट भ्रष्ट होइछन्ती अर्थात केउठना केउठी निजर जहाँ दायित्व रहिछि ताकु ठीक भावे पालन करूना चित्र बारंबार सामना को आसूर बलांगीर कंटाबांजी अंचल ये चित्र स्पष्ट करुच्ची भाव प्रशासनिक अधिकारी माने अंध हो जाइंट निज दायित्व को नहीं एपर्यंत सचेतन होना किरोसिन के घटना सामना को आई 2020 समग्र देश समग्र राज्य जितेबले कोरोना सहित मुकाबला करुला कोरोना महामारी में संतुलित होता से किरोसिन मुकाबला किरोसिन केलेंकारी सामना को आसी जहाँ कहला पीडीएस महाघोटला होता क्योंठी सामग्री ओजन कमा जाता तो क्योंठी चढ़ा दर में किरोसिन बिक्री करा चाउल और डाली खाई जो माने सरकारी अधिकारी माने अच्छा जो माने ठिकादार माने अच्छा तहत किरोसिन कलाबाजारी करा संबलपुर आरंभ कर पूरी पर्यंत ब्रह्मगिरी कटक निश्चिंत कोईली सबुठी जोठी किरोसिन लिटर पिछा 15 टंका बिक्री होगा कथा 40-45 आ 50 टंका बिक्री करा किरोसिन लिटर पिछा जहाँकि जनसाधारण जो माने कि तल स्तर में बसवास करती जो मानकर किरोसिन नित्यांत आवश्यकता रही है से माने के भाव हंतसंत होते पीडीएस घोटाला को लेकिन खास करी किरोसिन अत्यधिक दर वृद्धि को नहीं केउटना केउठी साधारण जनता असुविधार सम्मुखीन होते किरोसिन महाघोटलार खबर को पर्दाफाश कर आर्गस आम टिकनिक खबर पहुँचाई थूँ कि भाव कंट्रोलर तहत डिलर तहत प्रशासनिक अधिकारी
राजनेता मानकर महाघोटाला मिलीभगत महाघोटाला होती पीडीएस घोटालार जो किरोसिन जार तृणमूल स्तर रेट थाए साधारणतः रेट थाए 15 टंका ता केमळी बापे 40 रु 50 टंका रे बिक्री करा जायतला। निवेदिता पीपी किट कथा आम देखीचे मास्क कथा देखीचे जहाँ कि कोरोना समय रे नित्यांत आवश्यक थिला किंतु तसहित आम किरोसिन घोटाला कथा मध्ये सामना आसला। किरोसिन आपण जानिथिबे जो माने कि तळस्तर रे जीवन यापन करते जहाँ को बिलो प्रभर्टी कहा जाए से मानी किरोसिन हो अत्यंत आवश्यक जिनस रोसे करवाठू आरंभ कर केउटना केउठी प्रत्येक क्षेत्र से माने किरोसिन को व्यवहार करती किंतु राज्य सरकारी कर्मचारी और राजनेता किसी राजनेता अभिचार जो किरोसिन रेट जहाँ कि 15 टंका ताहा मध्य 45 टंका रे पहुंचीला। ये खबर मध्य आम अर्गस माध्यम रे प्रसारण करथिलु जेउंतिपई ए कथा मध्य सामना को आसीथिला कि किरोसिन महाघोटालार पर्दाफाश करबा परे खबर अर्गस रे प्रसारण परे डीलर खाउटिंग को टंका सह किरोसिन मध्य फेराइथिले ये गोटे पर सक्सेस मध्य हमको मिलथिला एक कथा को जाय परे आ सबटु बड कथा होची 2020 रे पीडीएस महाघोटालार चित्र सामना को आसीथिला केउटारे डाली केउटारे किरोसिन केउटारे चाउल ए सबु थिरे हरि लूटर चित्र सामना को आसीथिला एवं जेतेबेले जो निरीह लोक रहिछंती जो माने कि एर पाइबार हकदार सेमानको थारु किभळी चूर्ण लगाई सेमानको ठकी केतेबेले ओजन रे तो केतेबेले टंकारे सेमानको लूट करा जाउथला। विशेष करी अपूर्व आपण जेमळी बाबे कहुथिले 15 टंकार किरोसिन क्यू 40 टंकार बिक्री करा जाउथला आ लोक जेतेबेले एने प्रतिवाद करुथिले सेतेबेले तांको बाड़ मरा जाउथला तांको धमक दिया जाउथला एवं कोनोसी समाधान नउनथिला। आ आपण एकता मध्य कहुथिले कि संबलपुर जिला टु आरंभ करी पुरी ब्रह्मगिरी कटक निश्चिंत कोली पर्यंत सबुठी केलेंकारी सामना को आसीथिला सबुठी महाघोटालार चित्र सामना को आसीथिला अब ए खबर आम प्रसारण करथिलु एवं ग्राउंड जीरो में आम स्थित देखाई विभिन्न स्थान आम रिपोर्टर माने तथ्य सामना को आनी पिपली में भी एक घटना सामना को आसीथिला डाली रे जेते बेले ओजन रे कम क्वांटिटी आसीला तेब लोक नहीं अभियोग नहीं पंचायत ऑफिस को गले मड़ मरागला धमक दिगला कहीं समय स्वर उठाऊ एक सामना को आसीला आउ अर्गस से खबर प्रसारण करथिला विशेष करी किरोसिन घोटालार प्रसंग अर्गस प्रसारण करथिला जेउंतिपई शेषरे किरोसिन को लोकों को खाउटिंग को फेराई दिया जायथिला तासो टंका मध्ये फेरा जायथिला सामना को आसीथिला जेतेबेले बात्या परे लोके संतुलित होइथिले सेतेबेले किरोसिन घोटाला सामना को आसीथिला महामारी बेले भी किरोसिन घोटाला सामना को आसीथिला। कालुचरण अछन्ते प्रतिनिधि कालुचरण जानिबा को चाहिबु जे प्रकृति रे ब्रह्मगिरी अंचल रे ए किरोसिन घोटालार प्रभाव केभली पडथिला साधारण लोके जे माने किरोसिन उपर निर्भर करंती सेमान के भली संतुलित होइथिले किरोसिन अभाव द्वारा बा किरोसिन महाघोटाला द्वारा बर्षा जी कथा कहवा को जी पीडीएस घोटाला गोटे बड़ समस्या था पुरी जिले में ए पुरी जिले में था तो अनेक जिले में खबर सामना को आसूला कि पुरी जिला कथा कहवा को जी पुरी जिले में पाखापाखि 15 टंका के जगह 13 टंका बिक्री होता कि बिक्री हवा कथ जहाँ सरकार जिला प्रशासन निर्देश था कि अनेक जगह 40 टंका पाखापाखि 15 रु 20 टंका ऊर्ध टंका चढ़ा दर में ही डिलर मैंने किरोसिन बिकुते से चाउल बिकुते से डाली भी बिक्री करते जहाँ को लेकिन बारंबार अर्ग से खबर प्रसारण पर जिला प्रशासन देखते राज्य सरकार देखते लाखी देखने भाव में अस्तरंग अंचल में कार्यान्वयन निगला तुरंत जी जोगान विभाग मंत्री अच्छा रणेन्द्र प्रताप स्वाई से तुरंत कार्यान्वयन और जो डिलर थे यही कार्य करते जो जगह प्रथम अभियोग आसापुर जिलूँ पदवी कड़ा परवर्त समय ब्रह्मगिरी पुरी सदर पिपिली साखीपाई भाव में प्रत्येक ब्लक ही संगीन अभियोग आसला किरोसिन महामारी समय कोरोना महामारी समय एवं बात्या समय किरोसिन आवश्यक थे लोक कि चढ़ा दर बिक्री कराला तहार टिकनिक खबर आम अर्गस माध्यम प्रसारण करूँ जहाँफल कि सरकार चेतीते परवर्त समय जी धार्य रखा जाता सरकार पक्ष से धार्य अनुसार ही टंका दि किरोसिन बंटन कराला जहाँफल गोटे बड़ सक्सेस कहुपर कारण कहीं लुट चलता लुट साधारण लोक मैंने लुट्र शिकार होते जी भी चढ़ा किरोसिन बिक्री हवा कथा 15 टंका थी 40 टंका निया क्योंटिना के बड़ समस्या लगी रही है जहाँ को कि बारंबार मंत्री मानने बासभवन सामना कथा कहीपर जिलापा सामना अफिस् कथा कहीपर प्रत्येक जगार आम खबर प्रसारण कर बारंबार जहाँफल कि शेष में सरकार मुंड नुआईते जो दुर्नीति करते जो सरकार बोधे किसी बोधे कारसाज थी जहाँफल कि सरकार किसी दिन नीरव थे तब बारंबार अर्गस खबर प्रसारा शेष सरकार मुंड नुआईते महाघोटाला प्रकृत हिताधिकारी पाखे किरोसिन पहुंची ना बेले पीडीएस महाघोटालार असुविधार सम्मुखीन होती जनसाधारण जो मैंने
खास करी किरोसिन डाली चावल उपर निर्भर करती सरकारी डाली चावल किरोसिन उपर सेमाने अहेतुक कलाबजार पंजारे पड़ते पंद्रह टंका रा तेल को पंद्रह टंका रा किरोसिन को चालीस रु पचास टंका दे किनिबा को बाध्य होइथिले अजोग्यं को पक्का घर दे जोग्यं को हताधर करिबा नै हरड़ घराय पड़ते राज्य सरकार आवास कली 2020 रे सामना को आसीथिला आ राज्य सरकार आ केन्द्र सरकार यहा कुने मुहामुई मध्य होइथिले राज्यर कोण अनुकोण एमती अनेक पुला पुला घटना सामना को आसीथिला पुला पुला अभियोग सामना को आसीथिला जोठे सरकारी कर्मचारी जोठे सरकारी दलर कर्मी जो माने कि बिलो प्रॉपर्टी लेवल नुहे ताटू ऊपर रहिछन अर्थात जो माने कि स्वच्छल वर्गर से माने सरकार आवास योजना हतेइथिबा बेले जो माने प्रकृत हिताधिकारी जो माने आज मध्य पॉलीथिन कुड़िया तले निज जीवन जापन करुछन्ती जो मान को दुईओली खाइबा मिलबा कष्टकर हेउछि दुईओली खाइबा छोडा निज पई गोटे छप्पर करबा मध्य असंभव सेमानक पाखरे एपर्यंत आवास पहुँचि नाही किंतु जदि आपण सरकारी दलर कर्मी जदि आपण सरकारी दलर तुंग नेता जदि आपण सरकारी दलर कुजी नेता ताले आपण को आवास घर मिलिबो एने अभियोग राज्य तमाम अभियोग सामना को आसीथिला बलांगीरु नै बारिपदा पर्यंत एवं खास करी कलाहांडीरु नै कोरापुट पुरी जगतसिंहपुर बालेश्वर तमाम अंचल चित्र आम आपे पहुँचाई जे कि भाव आवास योजन व्यापक घोटाला कर दुर्नीति कर प्रकृत हिताधिकारी आवास योजन घर मिल ना बेले जो मैंने हिताधिकारी नुहत जो मैंने सरकारी कर्मचारी जो मान सरकारी चाकरी अच्छी जो मैंने आर्थिक स्वच्छल वर्ग में आसुंच जो मैंने सरकारी दलर कर्मकर्ता कार्यकर्ता जो मैंने सरकारी दल नेता चेला चामुंडा से कि भाव आखि बुझी आवास घर जोगाई दि जाए कि जे मैंने प्रकृत हिताधिकारी से पाखे आवास कली आवास घर पहुँची ना यहाँ को नहीं राज्य सरकार केन्द्र सरकार मुहामी होते वर्ष शेष बेलू श्रेय नेबार मुहरें सबू पक्का घरे विजु पक्का घर पोस्टर मारे पुणी बिवाद को आसते राज्य सरकार आवास योजन केन्द्र सरकार जितने 60% अर्थ जोगाऊँ राज्य सरकार भाग हूँ 40% किंतु राज्य सरकार वर्ष शेष बेलू निर्देश दे प्रत्येक आवास घरे विजु पक्का घर पोस्टर मराजिबो तापर राज्य बीजेपी सामना को आसी विरोध जोरदार करा जे केउटना केउटी राज्य सरकार श्रेय नेबाकु चेष्टा करुछन्ति निवेदिता केन्द्र सरकार को योजना को हाइजाक करिबार आउ एक चित्र मध्य वर्ष 2020 रे सामना को आसी अपूर्व आप जानते ये किसी दिन पूर्व कथा अर्थात जिते राज्य सरकार पूरा श्रेय नाप चेष्टा कर सबु पक्का घर को निज योजना मध्यम विजु पक्का घर ना देवाई चेष्टा करते जो बीजेपी यहाँ स्वर उठाई और बीजेपी विशेषकर जितेबले पोस्टर पड़ी नहीं पोस्टर पड़ता से राज्य सरकार नई थे राज्य सरकार स्वर नरमी था और शेष स्टिकर परिवर्तन करागला सब बड़ कथा हूँ अपूर्व जो लोक योग्य अजोग्य दुईट कथार राज्य सरकार कोटना कोटी फेल मारी जो मैंने पाइबार योग्य जो मैंने योग्य हिताधिकारी से देवा बदल जो मैंने अजोग्य बंटा जाऊला कोटा कोटी अभियोग आसूला दलय भितर पक्का घर बंटा जापण जो भाव कहते पूरा राज्य तमाम खबर आसूला राज्य तमाम रे खबर आसूँ जो मैंने प्रकृत में पाइबार हकदा से विजु पक्का घर जोगाई दि जाऊनी आ सब बड़ कथा हूँ केन्द्र सरकार को योजना को राज्य सरकार हाइजाक करने गोटे श्रेय नेबापाई निज ना सेठे रखी निज स्टिकरिंग माध्यम रे ना परिवर्तन करने चेष्टा करते जो बीजेपी एने स्वर उठाला पर राज्य सरकार को स्वर नरमिला और स्टिकर परिवर्तन करागला पूर्व दिव्यज्योति महांत हम प्रतिनिधि अच्छा फोन लाइन अधिक सूचना दिव्यज्योति राज्य सरकार वर्ष शेष को आवास कली में फसी थे केउटना केउटी हाइजाक करिबा योजना को हाइजाक करिबा चक्कर आसी विरोधी ठारु शक्त चापुड़ा खाई राज्य सरकार एभली चित्र मध्य वर्ष शेष आड़ सामना को आसी देखो तो अपूर्व निश्चित भाव में जो भाई भाव में आवास कली विभिन्न समय रही आसी विशेषकर आप देखिए विधानसभा या तुम्बी तोफान विभिन्न समय होती उभय बीजेपी और बीजेडी भितर बागुद्ध रही बागपीतंडा होक राजनीति ए प्रकार समस्या देखा जहाँ को विधानसभा मुलतवी प्रस्ताव आगत हो आलोचना होपर भी कौन निष्कर्ष बाहरी पार ना और विशेषकर वर्ष शेष बेलू जिते मुख्यमंत्री दस्तखत गोटे लेटर जाऊला समस्त पाखक सब जीएस जीआरएस मान जो मैंने रही निर्देश दिगला आपण मैंने जो आवास घर गुड़िक कंप्लीट होटे जाए स्टिकर टी लगातु एवं कहतु जे राज्य सरकार ये सब पक्का घर को आपन को जोगाई देखते जहाँ को नहीं बीजेपी सामना को आसीला बीजेपी जी रही साधारण संपादक पृथ्वीराज हरचंदन से सांबादिक सम्मेलन जरिया सीधा साल अभियोग आनते राज्य सरकार केन्द्र सरकार योजना को हड़प करेंगे निज ना करवाक चाहते गोटे श्रेय ने चाहती से सांबादिक सम्मेलन में ही पोस्टर चिरा जाता
ସେଉଠୁ ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଯୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଅର୍ଥାତ୍ କୋ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଲୋକ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଲଗାଯିବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଏବଂ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଲୋକକୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଉ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଏବେ ଦେଖିବେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ଆଜି ବି କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏଇ ଯୋଉ ପକ୍କା ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ସେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିର କିଏ ଭରଣା କରିବ? ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ କୋ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂର ଲୋକ ଲଗାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଯେଉଁ 10 କୋଟି ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଟିକସଦାତାଙ୍କ ପଇସା ଆଜି ଲସ୍ ହୋଇଛି। ଆବାସକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ଷ ଶେଷକୁ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରାଯିବା ପରେ ସରକାର ନଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସର ପାରିବା ପଣିବାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲା। ତାହା ହେଉଛି ଦିଗପହଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୋଦିନ ହତ୍ୟା ଘଟଣା। ଦୀର୍ଘ 7-8 ମାସ ପରେ ଏହି ଘଟଣାର ଖୁଲାସା କରିଥିଲା ପୁଲିସ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ବେହେରାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରମୋଦିନଙ୍କ ମା ଏବେ ବି ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରକାଶ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି 2-4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଶି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦିନଙ୍କ ମା। ତା ସହିତ ସେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ IIC ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଉଭୟ ମିଶି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେଉଥିଲେ, କାରଣ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଯିଏକି ଦୋଷୀ ହତ୍ୟାକାରୀ, ସେ ହେଉଛି ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ। ଯେହେତୁ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ ତେଣୁ 7 ମାସ ଲାଗିଗଲା ପ୍ରକାଶ ବେହେରାକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ। ନିବେଦିତା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି? ଦିଗପହଣ୍ଡିର ପ୍ରମୋଦିନୀ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ, କାଳ 7 ମାସ ପରେ ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ SDPOଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, SPଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, IIC ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେସବୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଅର୍ଡର ଆସିଲା ପରେ ତଦନ୍ତ କରାଗଲା ଆଉ ଘଟଣାର ଖୁଲାସା କରାଗଲା। ନିହାତି ଅପୂର୍ବ, ଇଏ ଖବର ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରମୋଦିନ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯଦିଓ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏତେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ହେଲା? ଏବଂ ଯଦି ସାଧାରଣ ଯଦି ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାରେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଲା? ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରମୋଦିନଙ୍କ ମା ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି କି ହତ୍ୟା ପଛରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନିହାତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଦିନ ପରେ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତ ଏଭଳି ଭାବେ ବର୍ଷ 2020 ଅନେକ ଖବରକୁ ଆଣିକି ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ଖବର ବର୍ଷ ତମାମ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା। ମହାମାରୀ କରୋନା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା ଆଉ କରୋନା ସହିତ ଏହି ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ଅପାରଗତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଖାମଖିଆଲ ହୋଇଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଠିଆ ହେଉନି ତାହା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। କିରୋସିନ ଘୋଟାଲା ଭଳି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ତା ସହିତ ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତି ଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ହରଡ଼ଘଣାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ତ ବର୍ଷ 2020 ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ବିଦାୟ ନେବ, ତା ସହିତ ଏ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଲୋଚନରୁ ଲିଭିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ଯେଉଁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଘଟଣାରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ନ ହୋଇଛି, ସେହି ଘଟଣା ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ନମସ୍କାର।